इंसान जब इंसान बने, मतलब बंदर से जब इंसान बने, तो कहा जाता है कि वो हंटर गैदरर्स थे, मतलब छोटे छोटे जानवर शिकार करते थे या फल फ्रूट वगैरह जो भी पेड़ पे उगता था वो निकाल के खाते थे, हंटर्स गैदरर्स। ओके, बट किसी ने सोचा होगा कि वो फल के अंदर जो बीज है अगर हम डालेंगे मिट्टी में तो उगेगा क्या, और उग भी गया तो वो पहला DIY प्रोजेक्ट हो गया ना। टेक्नोलॉजी भी ऐसा ही है, बॉर्न आउट ऑफ नेसेसिटी। ये हर एक टेक्नोलॉजी का जो भी आविष्कार है एक DIY प्रोजेक्ट से ही स्टार्ट होता है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि DIY होने वाला है आज। ओके, नाउ बहुत सारे लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में जो हमने गोली फिल्टर का वीडियो बनाया था ना, बहुत इंटरेस्टिंग DIY प्रोजेक्ट था, उसमें मैंने पूछा था कि क्या आप कैनिस्टर फिल्टर DIY देखना चाहते हो, एंड इतने सारे मैसेजेस आए कि हाँ हमें देखना है। तो आज आप देखोगे, आखिरी तक देखोगे। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है देखने से पहले, ठीक है, मैंने और संदीप भाई ने बहुत मेहनत किया है इस पे, तो हमें चाहिए लाइक। तो आप इमीडिएटली नीचे जो लाइक बटन है उसको दबाओगे, बिकॉज आइडिया बहुत अच्छा है, और अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, दिमाग हम चलाएंगे, आप उंगलियां चलाओ, लाइक करो, मजा लो। ओके, चलो वीडियो में जाने से पहले और देखने से पहले कि DIY कैनिस्टर कैसे बनता है, मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं, और वो है हमारा सिक्लिड फूड लॉन्च हो गया है। ठीक है, इसलिए आज ये टैंक में सिक्लिड्स है। अगेन क्या होता है ना, वीडियो शूटिंग में जब हम फिश लेके आके इसमें डालते हैं तो थोड़ा स्ट्रेस हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो बनते बनते नॉर्मल हो जाएंगे। अभी काम है, बहुत काम है, एंड मेरे साथ खेलते भी हैं, बिकॉज हम हमेशा अच्छा क्वालिटी का खाना देते हैं। नाउ ये खाना सिक्लिड्स के लिए बहुत यूजफुल है। नाउ ये जो खाना है 100 ग्राम्स 200 ग्राम्स स्पेशली सिक्लिड्स के लिए बनाया गया है, बहुत ही लजीज और मज़ेदार खाना है, बहुत यूनिक इंग्रेडिएंट्स है इसमें, ठीक है, एंड बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। नाउ ये वाला सिक्लिड फूड आप कोई भी सिक्लिड्स को खिला सकते हैं, मलावी सिक्लिड्स हो, ऑस्कर्स हो, पैरट्स हो, बट याद रखो ऑस्कर एंड पैरट के लिए और भी बेटर क्वालिटी का फूड आ रहा है, बिकॉज ऑस्कर के लिए थोड़ा वेजिटेबल मैटर चाहिए, ये सिक्लिड के लिए भी वेजिटेबल एल्गे मैटर चाहिए, थोड़ा डिफरेंस है, ये लेक मलावी सिक्लिड, ऑस्कर साउथ अमेरिका, तो थोड़ा जगह का वेरिएशन होने की वजह से फूड चेंज होता है। नाउ फटाफट फटाफट एडवर्टाइजमेंट हो गया, फिल्टर बनाते हैं, चलो। नाउ यहां पे सबसे जरूरी चीज जो ध्यान देना है फिल्टर बनाने से पहले, कि आपका कैनिस्टर फिल्टर आपके टैंक के नीचे होना चाहिए या टैंक से नीचे होना चाहिए, आइडियली टॉप ऑफ द फिल्टर बॉटम ऑफ द टैंक के लेवल पे होना चाहिए, मतलब टैंक के बॉटम लेवल और फिल्टर का टॉप लेवल सेम होना चाहिए। DIY जब कैनिस्टर फिल्टर के बारे में जब आप सोचते हो तो यहां पे इसका मेन जो पार्ट है ना वो पंप है। नाउ आप बनाने जाओ और कोई सस्ता पंप उठाओ या लोकल चाइनीज पंप उठाओ तो देन आपका प्रोजेक्ट फेल होगा, बिकॉज आपको 2-3 चीजों का ध्यान देना है। पहले चीज, आपका टैंक का वाटर वॉल्यूम। नाउ ये 2x1x1 टैंक है, मतलब 60 लीटर्स वाटर वॉल्यूम। नाउ फिल्ट्रेशन मिनिमम 4 टाइम्स होना ही चाहिए इन एन आवर, एक घंटे में 4 बार ये पानी फिल्टर में जाके वापस आना चाहिए, ठीक है। ये सर्कुलेशन अगर होता है तो देन आपका फिल्ट्रेशन अच्छा है। नाउ 60 लीटर्स अगर आपके फिल्टर के थ्रू 4 बार आना चाहिए तो वो कितना हुआ, 60 into 4 मतलब
240 लीटर का सर्कुलेशन होने वाला है। यहां पे हमने ओआसे का छोटा सा 500 का पंप यूज किया, मतलब ये 500 लीटर कैपेसिटी है। नाउ वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, 240 ये 500 कैपेसिटी, बट बिकॉज हम फिल्टर में मीडिया स्पॉन्ज वगैरह डालने वाले हैं तो थोड़ा उसका फ्लोरेट कम होने वाला है, मतलब एक 400 तक, एक 10% आप रख लो, 400-450 तक वो कम होने वाला है, होगा, नेचुरल है। सो पहला चीज, अच्छा क्वालिटी का पंप या मोटर, ओके, बिकॉज तब आपको ये सर्कुलेशन प्रॉपरली मिलेगा। दूसरा चीज है कैनिस्टर का कैन, ये देखो कैन, अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक का, आप कोई भी कंटेनर यूज कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई ये कैन बेटर है कि वो कैन बेटर है उसमें मतलब नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका जो लिड है, जो टॉप है, एयर टाइट हो। अगर नहीं है तो देन आपको सिलिकॉन से चिपकाना पड़ेगा। यहां पे हमने थोड़ा अच्छा क्वालिटी का डब्बा यूज किया है, ठीक है, डब्बा ये प्लास्टिक का डब्बा जो घर में किसी के भी घर में यू नो कुछ रखने के लिए, सामान रखने के लिए, अगर स्क्रू टॉप है तो इवन गुड, सुपर, ओके। सो ये एयर टाइट डब्बा है, ऑलराइट। सो ये पहला दो चीज, बाकी पाइप्स। नाउ बनाने से पहले इसका एक छोटा सा ड्राइंग बना लो कि भाई कहां से कैसे होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, ठीक है। अब हम लोगों को आदत है ये सब बनाते हैं, तो मैंने कुछ ड्राइंग वगैरह बनाया नहीं, बट ये बनाना इंपॉर्टेंट है, और बनाने के लिए मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा कि कौन सा पाइप कितना लंबा होना चाहिए, कहां जाना चाहिए, कहां से पानी अंदर, मतलब टैंक से फिल्टर कहां पानी अंदर जाना चाहिए, कैसे बाहर आना चाहिए, ये सब मैं आपको अभी बताने वाला हूं। बट आपको याद रखना है, गुड क्वालिटी का पंप एंड फ्लो रेट, ओके, कितना पानी एक घंटे में हमारे पंप के थ्रू या फिल्टर के थ्रू बाहर आने वाला है, वो आपका फिल्टर का क्वालिटी डिपेंड करता है, एंड फाइनली पानी का क्वालिटी उस पर डिपेंड करता है, ओके। नाउ आप में से कितना लोग ये मानते हैं कि फिल्टर जो है पानी साफ करने के लिए होता है, हाथ खड़ा करो, नहीं मेरे को नहीं दिखेगा, बट फिर भी कमेंट जरूर करो, बिकॉज सच बात यह है कि फिल्टर जो है पानी साफ करने के लिए है, ओके, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अमोनिया तोड़ने के लिए है, बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन, या आपको टैंक को साइकिल करने के लिए है। आप डाल रहे हो फिश फूड, फिश पूप कर रहा है, गंदा कर रहा है, कचरा कर रहा है, ये सब फॉस्फेट है, ओके, ये सब अमोनिया बिल्ड करता है, एंड बैक्टीरिया चाहिए आपको फिल्टर में जो अमोनिया को तोड़ेगा। सो नाउ फिल्टर का साइज, ओके, पहले हमने डिस्कस किया पंप और वाटर फ्लो, नेक्स्ट फिल्टर का साइज। नाउ यहां पे 60 लीटर है मेरे पास, मैंने ऑलरेडी बोला ना 2 feet by 1 feet by 1 feet अप्रोक्सीमेटली 60 लीटर पानी है मेरे पास, 60 लीटर का टैंक है, तो फिल्टर का साइज या डब्बे का साइज एटलीस्ट 6 लीटर का होना चाहिए, एटलीस्ट 5-6 लीटर, बिकॉज अगेन 1 आवर में अगर 500 लीटर बाहर आना है तो उतना पानी जाएगा, रोटेशन में आता रहेगा, ओके, एटलीस्ट 10% साइज आप रखो। यहां पे हमने एक 8 लीटर का प्लास्टिक कंटेनर यूज किया है, बिकॉज मुझे क्लियर एक 5-6 लीटर पानी चाहिए इस कंटेनर में, बिकॉज मीडिया वगैरह डालेंगे तो वॉल्यूम के हिसाब से मैंने यहां पे एक 8 लीटर का कंटेनर यूज किया है। नाउ इसमें कोई फिक्स साइंस नहीं, ठीक है, ये सब एक अंदाज है, एक अंडरस्टैंडिंग है, तो अगर कोई उस पे कमेंट करना चाहता है कर सकते, मैं भी सीख लूंगा, ठीक है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है और मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। वो जो कैनिस्टर है उसमें हम क्या करने वाले हैं, दो चीज यूज करने वाले हैं, एक मैकेनिकल फिल्ट्रेशन और एक बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन। मीडिया 50-60%
10-15% ऑफ स्पंज या फिल्टर फ्लॉस एंड फाइनली पानी के लिए स्पेस। नाउ बातचीत बहुत हो गया, फिल्टर को देखते हैं। ओके नाउ ये फिल्टर मैंने ऑलरेडी बना दिया है, तो मैं क्या करने वाला हूं, फिर से आपको बनाते हुए दिखाना एक ऑप्शन है, बट सिंपलर ऑप्शन है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि ये कैसे वर्क होता है, ताकि आप बना सकते, बिकॉज इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल। आपको सिर्फ आइडिया समझना है कि क्या कहां पे जाता है और क्यों। नाउ अगेन मैं आप सबको बोलने वाला हूं, ये संदीप और मेरे आइडिया से बना है। वीडियोस हजार होंगे यूट्यूब में जो अलग तरीके से बनाते हैं, वो भी करेक्ट है। ये सिस्टम आपके सामने है, काम कर रहा है, ये भी करेक्ट है। अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, हमारे वीडियो से या दूसरे वीडियो से गुड पॉइंट्स लेना चाहिए और अपना खुद का बनाना चाहिए। ये होता है DIY, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, वो क्या बोलते हैं ना, आंख बंद करके किसी को फॉलो मत कर, आप अपना बनाओ और अपना एक सिस्टम बनाओ, ट्राई करो, तब मजा आता है। ओके सुनो, ये हमारा कैनिस्टर फिल्टर है, यहां पे हमने एक ग्रेटिंग दिया है ताकि नीचे गैप रहे पानी के लिए, फिर हमने मीडिया डाला है, फिर स्पॉन्ज डाला है, फिर एक और ग्रेटिंग दिया है और उसके ऊपर पंप बैठा है। नाउ ये पूरा मैं खोल के दिखाने वाला हूं। नाउ यहां पे दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक पाइप जिससे पानी टैंक से होके फिल्टर में जाएगा और एक पाइप फिल्टर से होके टैंक में वापस आएगा। ये देखो, राइट, सो ये दो इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाला टैंक से होके फिल्टर के अंदर जाएगा और ये वाला फिल्टर से होके टैंक में अंदर आएगा। नाउ इसके लिए काफी सारे पार्ट्स लगेंगे। ओके नाउ यहां पे हमने पानी को थोड़ा ऊपर किया है। ओके अगर आप चाहो तो ऐसा एक अटैचमेंट आप दे सकते हो, ये थोड़ा लंबा है, बट आप ऐसा अटैचमेंट देके इसको यहां पे फिट कर सकते हो ये पाइप को, ताकि पानी अंदर जाए, टैंक के अंदर जाए, ये भी ठीक है, नॉट एन इश्यू। सो अभी मैं आपको ये फिल्टर का पूरा पार्ट्स दिखाने वाला हूं, इसलिए मैं थोड़ा आगे आ गया, इसको ऑफ करते हैं। ठीक है, तो इसको बंद करते हैं, अभी इसमें पूरा पानी भरा है, ये पानी निकालना है। ठीक है, एंड मैं फिल्टर को यहां पे सामने रख के आपको पार्ट बाय पार्ट दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखो बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट है और पार्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। ओके सी, ये जो पाइप्स वगैरह है आप कोई भी यूज कर सकते हो, ये एक पुराना इसका वो क्या हैंग ऑन बैक फिल्टर का अटैचमेंट है, ये PVC पाइप्स तो घर में मिल ही जाता है। ठीक है, नाउ जरूरी है कि ये एयर टाइट हो, सी एयर टाइट है तो मतलब सो ये पूरा टॉप तक पानी है, सी पूरा टॉप तक पानी है, प्लस यहां पे हमने प्लंबिंग के लिए जो यूज करते हैं टेफ्लॉन टेप वो भी रखा है, ताकि और थोड़ा एयर टाइट हो जाए। नाउ ये मैं निकालने वाला हूं, पहले मैं बताता हूं कि फिल्टर के अंदर क्या है। नाउ फिल्टर के अंदर ये एक प्लास्टिक का टुकड़ा है, पता नहीं किसी के लिए आया था, मैं यूज कर रहा हूं, आप वो जो अंडर ग्रेवल फिल्टर का जो प्लास्टिक का ग्रेटिंग आता है आप वो यूज कर सकते हो, 2-3 पीस यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिल्टर फ्लॉस है, ये देखो फिल्टर फ्लॉस है, फिल्टर फ्लॉस जो है मैकेनिकल फिल्ट्रेशन का काम करता है, मतलब कोई भी डस्ट अगर हो पानी में या आपने बैक्टीरिया डाला तो वो सब इसमें पकड़ता है। ओके डस्ट वगैरह पकड़ता है ताकि पानी साफ दिखे। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पे हमने हमारा ये API बायोमीडिया यूज किया है, ये देखो ऑलमोस्ट 60% जो है API बायोमीडिया यूज किया है, इसको हमने बांध दिया है। सो ये बायोमीडिया है, थोड़ा मोटा साइज का यूज किया मैंने, हमारा 2 लीटर वाला बायोमीडिया है, पूरा 2 लीटर हमने यूज किया है इसमें। ठीक है, सो अगर ये 5-6 लीटर का डब्बा है और 2 लीटर है तो मतलब 50-60% आप रख सकते हो, तो इसको जरा निकालते हैं, इसके अंदर एक और टुकड़ा है, आ जाओ। ये ग्रेटिंग हमने नीचे ऐसे दिया है ताकि नीचे गैप बने,
और पानी नीचे से होके ओके ऊपर तक आए, उसके लिए पाइप भी उसी हिसाब से होना चाहिए। चलो संदीप ये जरा निकालिए, ये पानी निकाल देते हैं, ये चीजें हम अलग करते हैं ओके। और आते हैं इस पे, नाउ ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ। ये पाइप्स हमने क्यों यूज किया है ये मैं बताता हूं, बट पहले हम मोटर का देखते हैं। सी ये देखो, ये पाइप जो है, ये पाइप जो है ऐसा है, ये ऐसा है, तो ये पाइप से पानी अंदर जाके फिल्टर में अंदर आएगा। मैंने अभी अभी बोला था कि हमें फिल्टर में पानी नीचे से होके ऊपर आना चाहिए, तो ये पाइप नीचे तक जा रहा है एंड वो हमारा ग्रेटिंग जो है इसमें हमने होल बनाया है ताकि, ये देखो ये होल है, सो ये पाइप ऐसे बैठता है और पानी नीचे आएगा, नीचे होके इसके थ्रू निकल के फिर मीडिया में जाएगा ऊपर ओके। मीडिया यहां पे बैठेगा और फिर फिल्टर फ्लॉस ओके। सो अगर पानी नीचे से होके ऊपर जा रहा है, पंप हमें ऊपर चाहिए, इसलिए पंप ऊपर है। जैसे मैंने पहले बताया था, यहां पे मैंने ओआस का पंप यूज किया है, ऑप्टिमैक्स 500। इसका वायर जो है यहां पे हमने होल बनाया है और यहां पे भी सील किया है ठीक है। सिलिकॉन डाल सकते हो, ग्लू डाल सकते हो, और ये भी एक होल बना के हमने यहां पे जॉइंट दिया है ताकि फ्रंट और बैक अच्छे से सील हो जाए ठीक है। यहां पे अगर आप सिलिकॉन यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो, हॉट ग्लू गन जो भी चाहिए यूज कर सकते हो। तो ये पानी यहां से पिकअप करके ये बाहर आने वाला है ओके, और ये टैंक के अंदर जाने वाला है। सो नाउ इसको वापस डालते हैं, असेंबल करते हैं। समझो ये मंथली मेंटेनेंस क्लीनिंग का टाइम है ठीक है। नाउ फिल्टर क्लीन करते टाइम टैंक के पानी से ही मीडिया को धोना है, बहुत जरूरी बात है। एंड फिल्टर धोने के बाद आप जरूर वाटर केयर यूज करें, बैक्टीरिया यूज करें। तो चलो अभी इसको बिठाते हैं। नाउ ये ऐसे बैठेगा ना, बिकॉज फिल्टर यहां पे जाने वाला है ओके, और ये पाइप टैंक के पास होना चाहिए अंदर, और ये ऐसा राइट, बिकॉज यहां से पानी बाहर आएगा। सो ये पोजिशन ऐसा है, यहां पे पाइप में फिट होगा ओके, और ये ऐसे बैठेगा। सो इसको हम पहले ऐसे बिठाते हैं ठीक है, फिर बाद में हम पाइप को बिठाएंगे। मीडिया को नेट बैग में ऐसा हमने टाइट कर दिया है ताकि मीडिया बाहर ना आए, एंड यहां पे ये होल को संभालते हुए हम मीडिया को डालेंगे, बिकॉज ये होल में हमारा पाइप जाने वाला है ओके। सो मीडिया पीछे हो गया ओके। नाउ सिमिलरली फिल्टर फ्लॉस ओके, फिल्टर फ्लॉस यहां पे रख दिया, मोटर जाके फिल्टर फ्लॉस पे बैठेगा, एक्चुअली नहीं मोटर जाके ग्रेटिंग पे बैठेगा ओके। ग्रेटिंग यहां पे है राइट, और आराम से ये जो पाइप है वो अंदर जाके ऐसे नीचे जाके बैठने वाला है ओके। ये ग्रेटिंग के ऊपर बैठ गया, ये भी रेडी है ओके। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको समझना है ठीक है, समझाता हूं। चलो पहले इसको वापस अपने जगह पे रखते हैं, फिर मैं समझाता हूं। अभी जो इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूं, इस हमने अभी फिल्टर वापस अपने जगह पे रखा है। नाउ पानी यहां से अंदर जाने का, नॉर्मल जब आप फिल्टर खरीदते हो मार्केट से उसमें एक प्राइमिंग ऑप्शन रहता है ताकि अगर आप बटन प्रेस करें तो यहां से पानी अंदर जाता है ओके। मतलब टैंक से फिल्टर में पानी अंदर जाता है एंड देन मोटर ऑन करने से पानी फिल्टर से होके बाहर टैंक में आता है। बट यहां पे DIY ठीक है, हमारे पास प्राइमिंग ऑप्शन है नहीं, तो हम यूज करेंगे संदीप भाई को ठीक है। ये हमारा प्राइमर है ठीक है, आ जाओ। यहां पे हमने दो ट्यूब दिया है ठीक है, ये ऊपर एक ट्यूब दिया है, इसमें एक स्ट्रेट कनेक्टर जॉइंट हमने कनेक्ट करके एक यहां पे, इसको हम कंट्रोलर बोलते हैं, एयर कंट्रोलर बोलते हैं, ये ओपन और ये टाइट।
ऊपर वाला इसलिए दिया है ताकि जब ये पानी फ्लो हो रहा है ओके, और आपको डिसमेंटल करना है, मेंटेनेंस करना है, तो ये वाला पाइप अगर आप एयर ओपन कर देंगे तो यहां से पानी फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप आराम से ओपन कर सकते हो, स्विच ऑफ करके ओपन कर सकते हो, बट स्विच ऑफ करने के बाद भी बिकॉज वो फ्लो है, फोर्स है, वो जाने वाला है, तो इसको अगर आप ओपन करेंगे तो पानी टैंक से खींचना बंद हो जाएगा। ये हमारा प्राइमिंग के लिए, ठीक है, ये जरूरी है। सो पहले ये खुला है ऊपर वाला, तो ये बंद करते हैं ओके, ताकि हम पानी फ्लो को स्टार्ट कर सके। नाउ यहां पे भी हमने एक स्ट्रेट जॉइंट लेके एक एडिशनल पाइप दिया है और इसको हम ओपन करेंगे ओके, एंड थोड़ा सा इसमें इंडियन जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ये लो संदीप, तो खींचना पड़ेगा थोड़ा ताकि यहां पे ये आउटलेट बंद और यहां पे खींच रहे तो ये पानी का फ्लो चालू हो जाएगा। अभी आप फिल्टर में देखो तो पानी भर रहा है। यहां पे पानी भर रहा है, अभी धीरे धीरे पानी भर रहा है। पानी भरना जब स्टार्ट हो जाएगा तो ये बंद करना है। अगर ये बंद नहीं करेंगे तो यहां से पानी निकलेगा, तो ये अच्छे से टाइट बंद करना है ओके। नाउ फिल्टर में अगर आप देखोगे तो पानी भरा है, फिल्टर में पूरा पानी भरना चाहिए। नाउ कभी कभी क्या होता है, यहां पे एयर रहता है अंदर, ये हवा है, देखो ये फूल गया है, तो इसको हम थोड़ा एयर आउट करेंगे ओके, एंड फिर से बंद करेंगे ओके, ताकि पानी ऊपर तक आए। नाउ एयर आउट कर दिया, नाउ हम पंप को ऑन करेंगे। ये देखो तो पानी फ्लो चालू, यहां पे पानी थोड़ा डाउन हुआ है बिकॉज ये पानी जाके फिल्टर में बैठ गया, तो यहां पे हमको पानी फिल करना है एंड हमारा फिल्टर चालू ओके, एंड DIY फिल्टर काम कर रहा है। अगर ये DIY सिस्टम में अगर एक ड्रॉबैक या प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो वही है, ठीक है, ये एयर पकड़ने का, एयर आउट का, प्राइमिंग का, खींचो ब्लो करो, ये सब थोड़ा ड्रॉबैक्स है, बट कॉस्ट इफेक्टिव है, कुछ तो करना पड़ेगा। नाउ बहुत लोग मेरे से पूछने वाले हैं कि क्या सर ये फिल्टर सब कचरा निकालेगा, फिश पूप निकालेगा, ऐसा कोई भी फिल्टर बना ही नहीं है, ठीक है। आपको जो भी है दिन में एक बार 10% वाटर चेंज करना ही है ताकि एक्सेस फूड या एक्सेस पूप या जो भी है कचरा निकालना ही पड़ेगा, ये ध्यान में रखो। नाउ ये फिश थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट है बिकॉज हम ये सब इतना चाम जाम कर रहे हैं, बट मैं एम्प्टी टैंक नहीं दिखाना चाहता था, सिकलिड हमारे पास है बिकॉज हम फूड का टेस्टिंग कर रहे हैं तो मैंने डाला है, बट अगर आप ऐसा कुछ करने वाले हो या वीडियो वगैरह बनाने वाले हो तो प्लीज फिश मत रखो, ये वीडियो में अच्छा दिखने के लिए हम करते हैं एंड फिश पे हमारा नजर रहता है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, हम बहुत केयरफुली करते हैं, प्रैक्टिस है। नाउ मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा, कुछ नया सीखने को मिला, मजेदार सीखने को मिला, एक कैनिस्टर फिल्टर आप कैसे बना सकते हो इसका मैंने पूरा विवरण डिटेल्स मैंने आपको बताया है। नाउ क्विकली मैं बताता हूं, याद रखो ओके, अच्छा क्वालिटी का मोटर यूज करो, अच्छा क्वालिटी का पंप यूज करो, सही साइज का ओके कैन या डब्बा या जो भी है वो यूज करो, ठीक है, पाइप्स वगैरह गुड क्वालिटी का यूज करो ओके, एंड आराम से ठंडे दिमाग से बनाओ ओके, जल्दी मत करना, ये जल्दबाजी का काम नहीं है, ठीक है, आराम से करो, पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए ओके। सो हमेशा की तरह मेरे तरफ से संदीप, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम एंड मेरे पूरी टीम के तरफ से एंड ये सिकलिड के तरफ से भी आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज़, शब खैर एंड सत श्री अकाल, बहुत जल्दी मिलेंगे ओके, बहुत ही मजेदार वीडियोस बनने वाले हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं ट्राई करने वाला हूं, पुराना है मैंने ऑलरेडी ट्राई किया था बट मॉस का रोप बनाने का आइडिया मैं बहुत जल्दी वीडियो डालने वाला हूं, देखते रहो, बने रहो, जुड़े रहो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मजा लो।
ओके, मैं जल्दी मिलता हूँ, बाय बाय।